नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं दीपक नेगी पौड़ीगढ़ और उत्तराखंड से हूँ। आज मैं आपको आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम सभी लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। आप सभी या हम, मैं, सभी लोग काम करते हैं। काम किस लिए हम लोग करते हैं? अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। हम लोग ही काम करते हैं पैसे के लिए, और इस पैसे को हम कहां पे खर्च करते हैं? बाजार में। कोई भी हम लोग सामान लेते हैं, बाजार से हम लोग लेके आते हैं अपने जरूरत का जो भी सामान हमें चाहिए होता है, चाहे वो खाने पीने का सामान है, चाहे वो कोई भी सामान, हम लोग बाजार से खरीदते हैं। बाजार में हम लोग क्या है, आम ग्राहक हम लोग बाजार में होते हैं। हम लोग आम ग्राहक बाजार में है। हम लोग के लिए सामान कौन बनाता है? कहीं दूर कोई कंपनी हमारे लिए क्या करती है, सामान बनाती है। लेकिन हम लोग कंपनी के पास नहीं आते सामान के लिए, हम लोग अपने नजदीकी दुकानदार के पास सामान के लिए जाते हैं, जो हमारे गली मोहल्ले में है या हमारे मार्केट में है, हम उसके पास सामान के लिए जाते हैं। ये दुकानदार भी कंपनी से नहीं लेता है, ये दुकानदार भी एक स्टेप आगे होलसेलर से लेके आता है, बढ़िया से लेके आता है, बढ़िया भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, एक स्टेप आगे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी से नहीं लाता है, वो भी कैरियर एंड फॉरवर्ड एजेंट से लेता है, और ये कंपनी से सामान लेके आते हैं। इस प्रोसेस से कोई भी सामान जो कंपनी बनाती है या फैक्ट्री बनाती है, वो इस प्रोसेस से हम लोगों तक यानी कि ग्राहक तक पहुंचता है। इसके बीच एक काम और कंपनी करती है, क्योंकि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, किसको पता है कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के माध्यम से कंपनी प्रचार करती है अपने प्रोडक्ट का, ताकि इस ग्राहक को पता चले मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। ये विज्ञापन कौन करता है? क्या आप करते हैं? नहीं, ये विज्ञापन करता है कोई बड़ा स्टार करता है, सेलिब्रिटी करता है, जिसको पूरा देश जानता है। कौन करता है? स्टार, सेलिब्रिटी। स्टार सेलिब्रिटी से ऐड कराया जाता है टीवी चैनल्स के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो चीज, वो प्रोडक्ट हमको दिखाया जाता है इस ग्राहक तक, इस तरीके से विज्ञापन किया जाता है। इस विज्ञापन में भी कंपनी का बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो कि सारा इस ग्राहक को पे करना होता है। क्या होता है, कंपनी जो सामान 55 रुपए का मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, कंपनी 55 रुपए का अपने पास उसने मैन्युफैक्चर किया, बनाया, वो इस ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि विज्ञापन फ्री में नहीं होता है, करोड़ों रुपए खर्च विज्ञापन में होता है। सीएंडएफ एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, दुकानदार है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनको, जो यहाँ पे खाली नहीं बैठे हुए, ये भी अपना क्या करते हैं, कमीशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 45% खर्चा कंपनी का बिचौलियों के अंदर हो जाता है। 45% खर्चा क्या हो जाता है, बिचौलियों में हो जाता है। इसके कारण ये 55 रुपए का सामान ग्राहक 100 रुपए इसके लिए देता है। ये है आम बाजार, इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट जहां से हम लोग आज तक सामान खरीदते हुए आए। अब आरसीएम का मार्केट क्या है, आरसीएम ने क्या देखा इस पूरे सिस्टम में? आरसीएम ने देखा, एक तरह ग्राहक जरूरी होता है जिसने सामान को खरीद के यूज करना है, और एक एक कंपनी जरूरी होती है जिसने सामान को बनाना है। बाकी अगर विज्ञापन ना हो तो चलेगा, सीएंडएफ एजेंट ना हो चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ना हो चलेगा, होलसेलर ना हो चलेगा, रिटेलर ना हो चलेगा, डायरेक्ट कंपनी से ग्राहक को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यानी मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। आसिम ने अपनी कंपनी स्टेबल की और ग्राहक को बोला आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ जाइए। सिर्फ एक पिकअप सेंटर के माध्यम से, जो कि पूरे देश के कोने कोने में इस टाइम आरसीएम के पिकअप सेंटर्स हैं। कंपनी से पिकअप सेंटर में सामान जाता है, पिकअप सेंटर से डायरेक्ट ग्राहक को सामान मिलता है, जो डायरेक्ट सेलर कंपनी को होता है। यहाँ पे ये ग्राहक है आम ग्राहक, लेकिन अभी यहाँ पे ये आम ग्राहक ना होके ये कंपनी का डायरेक्ट सेलर बन जाता है। थोड़ी सी बात मैं कंपनी के बारे में करूंगा। 1977 से ये कंपनी कपड़ों का कारोबार करती थी। 2000 के अंदर ये कंपनी आरसीएम के नाम से मार्केट में आई, यानी डायरेक्ट सेलिंग में आई। कंपनी का जो नाम है वो है फैशन सूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम इसका ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है।
राजस्थान भिलवाड़ा की ये कंपनी है और श्री त्रिलोकचंद्र छाबड़ा जी इसके डायरेक्टर हैं। अब जब यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग माध्यम से कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, पिकअप सेंटर के माध्यम से डायरेक्ट ग्राहक तक वो पहुंच रहा है, तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो ये 45% का खर्चा बिचौलियों में होता था आम बाजार में, तो वो 45% का खर्चा यहाँ पे आरसीएम कंपनी का बच जाता है, ये बचत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बिचौलिए कोई भी नहीं है। और इसी 45% को आरसीएम कंपनी क्या करती है, अपने डायरेक्ट सेलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो उसका डायरेक्ट सेलर है जिसने आरसीएम का कार्ड बनाया हुआ है, जिसने आरसीएम ज्वाइन किया हुआ है। अब बेनिफिट्स की मैं बात करूं, अगर कोई आरसीएम का कार्ड बनाता है, आरसीएम का डायरेक्ट सेलर बनता है, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला बेनिफिट उसको मिलता है, डिस्काउंट रेट पे उसको सामान मिलना शुरू हो जाता है। डिस्काउंट रेट पे सामान मिलता है 10 से लेके 25% तक, हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। दूसरा जो उसको बेनिफिट होता है, पक्का बिल। आपने कई बार देखा होगा आम बाजार में पक्का बिल नहीं दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम कंपनी क्या करती है, आपको पक्का बिल देती है। यानी कि अगर आप 1 रुपए का शैंपू का पाउच भी लेते हैं, तो उस पे भी क्या है, टैक्स पे होके वो आता है सामान आपके पास। तीसरा फायदा होता है, हमको 100% ओरिजिनल सामान मिलता है, 100% ओरिजिनल सामान। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी होती है, मिलावट होता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है मार्केट में, कौन ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके, इसी से कंपटीशन है मार्केट में। आरसीएम क्या करता है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट आरसीएम देता है। चौथा फायदा है, 30 डेज मनी बैक गारंटी। इसका मतलब क्या है, अगर आप 2 पैकेट हल्दी के लेके जाए, एक एग्जांपल के लिए हल्दी के 2 पैकेट आप लेके गए, एक आप यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, कोई शिकायत आपको आई, तो आप दूसरा पैकेट 30 दिन के अंदर अंदर आप पीयूसी को वापस कर सकते हैं। पांचवा फायदा आपका होता है, पांचवा जो बेनिफिट है, 10 से लेके 32% बिजनेस वॉल्यूम का आपका अकाउंट ट्रांसफर आ जाता है। इसका मतलब ये, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, उस पर जितना आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उस बिजनेस वॉल्यूम पे मिनिमम 10 और मैक्सिमम 32% आपको रिटर्न आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। और छठा फायदा, मेन प्रोमोशनल इनकम, जो कि पूरी 45% तक आपको मिलती है। प्रोमोशनल इनकम यानी, अभी आरसीएम कंपनी भी चाहेगी कि मेरा प्रमोशन हो, विज्ञापन हो, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं मेरा विज्ञापन हो, तो ये आरसीएम कंपनी विज्ञापन के लिए किसको दे देती है, विज्ञापन ये डायरेक्ट सेलर ही करता है। यानी कि हम लोग या आप लोग जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं, आरसीएम के डायरेक्ट सेलर हैं, उनको ये मौका दे देती है कि आप ही प्रमोशन करो, ना कि बड़े स्टार को देती है, हम लोगों को देती है कि आप प्रमोशन करिए, और जो पूरा 45% जो अदर इस मार्केट में बिचौलियों को जाता था, वो 45% आपको मिल जाएगा। और ये कैसे करके 45% मिलता है, अब इसमें 45% की मैं बात करूं, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, इस 45% को कंपनी कहती है 10 से लेके 32% आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, वापस हमें मिलता है। 8% रॉयल्टी बोनस के रूप में हमको एज ए इनकम वापस मिलता है, और 5% टेक्निकल बोनस के रूप में हमको इंसेंटिव मिलता है। 32 और 40 और 5, 45% पैसा हम लोगों को ही रिटर्न आ जाता है, इसी डायरेक्ट सेलर को रिटर्न आ जाता है, यानी कि जिन्होंने आरसीएम का कार्ड बनाया हुआ है, जिन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया हुआ है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ये 45% ये शॉर्ट आरसीएम का प्लान है। आप अगर पहली बार किसी को प्लान दें आरसीएम का, तो इतना ही दें, शॉर्ट में आप उनको प्लान दें, लेकिन मैं आपको ये 45% पे मैं डिस्क्राइब करूंगा यहाँ पे, कि ये 45% हम आपको मिलता कैसे है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, हम लोग आप ज्वाइन होते हैं, आपका कार्ड बनता है, आपके डाउन में और ज्वाइनिंग्स होती हैं, इस तरीके से आपके डाउन में ज्वाइनिंग्स होती हैं और लोगों ने आईडी बनाई, आपके डाउन में ज्वाइनिंग्स होती हैं। 1 महीने का मैं एग्जांपल लूंगा, क्योंकि हमारा जो आरसीएम कंपनी का जो टर्नओवर होता है वो मंथली होता है। 1 महीने का मैं एग्जांपल लेता हूँ,
मान के चलो इस महीने आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपने परचेज किया, या आपकी ए टीम है या आपकी बी टीम है, आपके डाउन में लोग ज्वाइन है। ए टीम में काफी सारे लोग हैं, 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान एक टीम के लोगों ने लिया, अपने घर के लिए खरीदा, किसी ने 1,000 का खरीदा, किसी ने 2,000 का, किसी ने 5,000 का, किसी ने 10,000 का, अलग अलग अमाउंट का खरीदा, 1,10,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल ए लेग के टीम ने खरीदा, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम बी लेग के लोगों ने खरीदा, बी लेग में जो आपके लोग थे उन्होंने 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का खरीदा, आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा? टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका ए ए का बिजनेस वॉल्यूम प्लस बी का बिजनेस वॉल्यूम प्लस आपका सेल्फ, 1,10,000 प्लस 60,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 1,72,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। आपका सेल्फ का 2,000 है लेकिन टीम के हेल्प से आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 1,72,000 हो जाता है। अब इंसेंटिव कैसे मिलता है? सबसे पहले हम आएंगे 10 से लेके, जो मैंने आपको बताया था 10 से लेके 32% उस पे हम लोग आएंगे। कंपनी कहती है अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम आपका 100 से लेके 4,999 तक आपका बिजनेस वॉल्यूम है, लाई करता है इसके बीच में, आपको कंपनी 10% इंसेंटिव देती है। जैसे आपका बिजनेस वॉल्यूम 5,000 क्रॉस हो जाता है वैसे आपको 12% इंसेंटिव मिलता है। जैसे आपको 10,000 आपका 10,000 क्रॉस हो जाता है बिजनेस वॉल्यूम, आपका इंसेंटिव बढ़ के 14% हो जाता है। जैसे 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका होता है वैसे आपका 16.5% हो जाता है। जैसे आपका 40,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है वैसे आपका इंसेंटिव बढ़ के 19% हो जाता है। जैसे आपका 70,000, ये देखिए जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपका इंसेंटिव का परसेंटेज भी बढ़ता रहता है। 70 पे आपका 21.5% आपको इंसेंटिव मिलता है। जैसे आपका बिजनेस 1,15,000 टोटल क्रॉस करता है आपको 24% इंसेंटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 1,70,000 आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है आपका 26.5% इंसेंटिव बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 2,60,000 उसके बाद ये स्लैब आपके होते हैं, बिजनेस स्लैब इनको बोलते हैं हम लोग, 2,60,000 पे 29% और आखिरी स्लैब है 3,50,000, 3,50,000 पे 32% आपको कंपनी देती है। 10 से लेके 32% तक इस बिजनेस स्लैब के थ्रू हमको पैसा मिलता है। जैसे जैसे हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा क्या ये जो इंसेंटिव है वो हमारा बढ़ता रहता है। अब आते हैं यहाँ पे इंसेंटिव कैसे मिलता है। इंसेंटिव इसी स्लैब से हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना गया है। टोटल बिजनेस वॉल्यूम हमारा है 1,72,000, यानी कि हम लोग 1,70,000 का हमने क्रॉस कर दिया। 1,70,000 का हमने क्रॉस किया यानी कि 26.5% हमको क्या होता है बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। 26.5% जो होता है आपका 1,72,000 का 26.5% आप करिए यहाँ पे, ये होता है आपका 45,580 रुपये। ये 45,580 रुपये जो है ये आपका और आपके पूरे टीम को ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? क्योंकि जो 1,72,000 है ये आपका और आपकी पूरी टीम का बिजनेस है। लेकिन सवाल ये है कि आपका यहाँ पे इंसेंटिव कितना होगा? ये आप हैं यहाँ पे, आपका इंसेंटिव कितना होगा? ए लेग की टीम ने जितना बिजनेस किया उनको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी लेग के लोगों ने जितना बिजनेस किया उनको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो लेफ्ट जो शेष रहेगा वो आपका होगा। अभी ए लेग के लोगों ने कितना बिजनेस किया? 1,10,000 का। फिर आप यहाँ पे आइए बिजनेस स्लैब के अंदर आइए। बिजनेस स्लैब में आप देखोगे कि 1,10,000 कौन से बिजनेस कौन से स्लैब में आ रहा है। 1,10,000 ने 1,15 वाला स्लैब क्रॉस नहीं किया क्योंकि उससे पीछे है, तो 70,000 वाला स्लैब उन्होंने क्रॉस किया तो 21.5% यहाँ पे उन्हें मिलेगा, यानी कि 1,10,000 का 21.5% हो गया आपका 23,650 रुपये। 23,650 रुपये आपके ए लेग पे, ए लेग में जितने लोग ज्वाइन थे उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया उन जैसे जैसे उन्होंने काम किया। अब बी लेग की बात करते हैं। बी लेग में टोटल बिजनेस कितना गया? 60,000। 60,000 फिर यहीं पे आ जाओ, इस स्लैब में आ जाओ। 60,000 19% का स्लैब में आया क्योंकि 70 उसने क्रॉस नहीं किया, 40% उसे मिलेगा 19%। तो ये हो गया 11,400 रुपये आपके बी लेग के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए प्लस बी लेग में 23,650 प्लस 11,400 रुपये, ये हो गया आपका 35,050 रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके डाउनलाइन में। जितने लोग आपके डाउन में जुड़े हुए थे जिन्होंने परचेज किया काम किया 35,050 रुपये उनका उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आप तक कंपनी दे रही थी 45,580 रुपये, इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हैं 45,580 रुपये में से
35,050 रुपये आप माइनस करते हैं तो नेट इनकम आपकी होती है 45,580 माइनस 35,050, ये होता है आपका 10,530। तो ये 10,530 आपकी नेट इनकम होती है पर्टिकुलर मंथ की, जिस महीने में आपका बिजनेस 1,72,000 गया। इस तरीके से ये इंसेंटिव कैलकुलेट होता है कंपनी का। उसके बाद अगर आप 260 का स्लैब अगर आप क्रॉस करते हो तो आपकी पर मंथ की इनकम अप्रॉक्स 13,000 से 14,000 के बीच होती है। अगर आप 3.5 वाला स्लैब आप क्रॉस करते हो यानी कि 32% पे आप जाते हो, आपका 17 से 18 हज़ार के अप्रॉक्स आपका पर मंथ का इनकम होती है। इसके बाद जब आप 32% क्रॉस कर देते हो, इसके बाद क्या? अगर आपका बिजनेस 3.5 लाख क्रॉस हो गया, उसके बाद क्या? जिस दिन आपके ग्रुप में 3,50,000 का बिजनेस ए ग्रुप में हो जाता है, 1,15,000 का बिजनेस बी ग्रुप में हो जाता है और सेल्फ बिजनेस आपका 2,000 का ही रहता है, आप उस दिन आरसीएम बिजनेस आरसीएम कंपनी के रॉयल्टी अचीवर आप कहलाते हो और उस दिन से आपको रॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया रॉयल्टी बोनस, जो कि 8% तक मिलती है। तो जब आप 3.5 लाख एक ग्रुप में, 1,15,000 एक ग्रुप में, तब आपको 3% रॉयल्टी, यहाँ पे आपको 3% रॉयल्टी मिलना शुरू होता है। 3% रॉयल्टी यानी 20,000 प्लस आपकी पर मंथ की इनकम। और जैसे जैसे आप इसको 1,15 से 1,70,000 आप इसको बढ़ाते हो, आपका ये परसेंट जो 3% है ये 4.5% रॉयल्टी में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे आप इसको 2,60,000 आप इसको क्रॉस करते हो, यहाँ पे 3.5 लाख ही है, यहाँ पे ये इधर 2 लाख का बढ़ के 2,60,000 हो गया, तब आप 6% रॉयल्टी लेना स्टार्ट करते हो। और यहाँ भी 3.5 लाख और यहाँ भी 3.5 लाख, जिस दिन आपका बिजनेस मेंटेन हो जाता है उस दिन आप फुल 8% रॉयल्टी आप लेते हो, आपकी पर मंथ की इनकम अप्रॉक्स 40 टू 50,000 के अप्रॉक्स आपकी पर मंथ की इनकम होती है फुल 8% रॉयल्टी पे। अब इसके आगे क्या? इसके आगे जो मैंने बताया टेक्निकल का मुकाम यहाँ पे होता है, जिस टाइम आपका 5 लाख का बिजनेस ए ग्रुप में, 5 लाख का बिजनेस बी ग्रुप में आपका होता है, उस दिन आप आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी रॉयल्टी नहीं टेक्निकल अचीवर आप कहलाते हो। टेक्निकल के अंदर भी बहुत सारे मुकाम आते हैं। टेक्निकल हमें 5% टेक्निकल तक हमें हमारा जाने का मौका हमें जाने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से ये बिजनेस का कैलकुलेशन पार्ट था, किस तरीके से हमारी जो इनकम होती है वो कंपनी कैलकुलेट करती है। इस तरीके से आप भी हर महीने अपना इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और इंसेंटिव फाइनल होने से पहले आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान से आप एक बार दोबारा से वीडियो यूट्यूब पे रहेगी तो आप एक बार दोबारा से इसको देख सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मार्केटिंग प्लान आरसीएम का, ये आप मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।